गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन। आज आप लोग पढ़ेंगे व्हेन डू वी यूज डू इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू का इस्तेमाल हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं, ये आज आप एक बार फिर सीखेंगे, क्योंकि इसमें मिस्टेक आप लोग अक्सर किया करते हैं। कई बार आपने पढ़ा है और काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें गलतियां फिर भी आप लोगों से होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डू का इस्तेमाल निगेटिव में कब होता है और इंट्रोगेटिव में कब होता है। देखिए, यहाँ कुछ सेंटेंस हैं आपके सामने। नंबर वन, अमित कुक्स फूड वेल। यहां आप वर्ब को देखिए, ये जो वर्ब है ये वर्ब कहलाता है मेन वर्ब, इसे कहते हैं मुख्य क्रिया है मेन वर्ब। सेकेंड देखें, स्टेला प्लेज चेस नाइस, स्टेला चेस बहुत अच्छी तरह खेलती है। तो यहां पर आप कुक और प्लेस को देखिए, ये कुक और ये प्लेस, ये दोनों वर्ब है, इनको देखना है ये कौन से वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो हम इनको डू से निगेटिव और डू से ही इंट्रोगेटिव बनाए, ठीक है ना, ये बात आप समझ लें। नंबर वन है अमित, अब इसको आप निगेटिव बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा आपका अमित कुक है तो डस, डू के आगे ईएस क्यों, क्योंकि अमित सिंगुलर है, इसलिए डू के आगे हम ईएस छोड़ देंगे हमेशा की तरह। डस नॉट निगेटिव है, नॉट लगाना ही है आपको। कुक्स या आ जाएगा कुक, एस हटेगा क्योंकि यहां पर हमने डू के आगे ईएस एड कर दिया, इसलिए कुक्स के आगे हम एस को हटाएंगे। तो अमित डस नॉट, आपने देखा हमने यहां पर डस लगाया, निगेटिव बनाने में हम डू या डस का यूज करेंगे, तब करेंगे जब सेंटेंस में मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी तब करेंगे हम। सेकंड देखें, स्टेला प्लेज चेस नाइस, अब स्टेला प्लेज, इसको इंट्रोगेटिव बनाइए आप, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा डस, आपको मालूम है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब सबसे पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, तो एंड सपोर्ट, ठीक है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डस लिखा, यह निगेटिव में डस आपका सब्जेक्ट था, ये इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो डस है, तो डस स्टेला सब्जेक्ट आ गया, डस से बनेगा डस स्टेला प्ले कैसे हट जाएगा प्ले चेस और आगे हम इंट्रोगेटिव। तो हमने देखा डू या डस, अब इनसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव इस तरह से हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट, अमित इज ए वेरी गुड प्लेयर, यहां देख रहे हैं आप अमित इज, यह कौन सा वर्ब आ गया बताइए, हेल्पिंग वर्ब, ये कहलाता है आपको हेल्पिंग वर्ब, इसे हम एक इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये इज जब सेंटेंस में आपको मेन वर्ब नजर नहीं आए, आपको इज एम आर वाज वर शैल विल कोई भी मॉडल इस तरह के वर्ब जब आपको नजर आए, आपको दिखे आपके सामने हो, तो आप क्या करोगे, इन्हीं की हेल्प से आप निगेटिव इंट्रोगेटिव बना दो। मतलब इस तरह के सेंटेंस में जिसमें इज एम आर वाज वर शैल विल कैन कुड होता है ना, उसमें हम डू डज नहीं लगा, इस बात का ध्यान रखें आप। तो ये अमित है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये अमित ये इज नॉट, इसी इसकी हेल्प दे देंगे, ये खुद अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, तो इज नॉट यहाँ डू या डज नहीं आए, ठीक। तो अमित इज नॉट वेरी गुड प्लेयर, निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाए क्या बनाएगा, इज अमित ए गुड प्लेयर राइट। इस तरह से, अच्छा इसी को अगर आप पास्ट में कर देंगे, पास्ट टेंस में, अमित कुक अमित कुक्ड स्टेला प्लेड, तो फिर क्या बनेगा आप बताएं, तो डू आएगा डू नहीं आएगा, डू की सेकंड फॉर्म लगेगी डिड बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कॉन्टेशन है वो ये है कि जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा तो हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव डू डस से बनाएंगे, तो पास्ट टेंस होगा तो डिड लगेगा, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, हाउ टू कुक समथिंग, ठीक है। ऐसे ही अमित डज नॉट
ये आपने देखे। इस तरह से अच्छा टेंस कौन कौन से टेंसों में डू डू डज और डिड लगता है? सिंपल प्रेजेंट, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इस बात को भी आप नोट कर लें, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगता है और सिंपल पास्ट में डिड लगता है, बाकी टेंसेस में डज डू या डिड इस्तेमाल नहीं होता एज ए हेल्पिंग वर्ब या निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में। थैंक यू, इसको याद करें आप लोग।